नमस्कार मेरा नाम है डॉक्टर पुरुधवन और आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एक नई चीज़ कि आप अपने पसीने के रस्ते भी किटनिन और यूरिया को अपने शरीर से बाहर निकाल सकते हो अगर आप किडनी फेलियर के पेशेंट हो तो आपके ब्लड के अंदर किटनिन यूरिया इकट्ठा होता है और इसका हम इकलौता रास्ता क्या मांग के चलते हैं कि इसको हम बस हम यूरिन के रस्ते किडनी के रस्ते निकाल सकते हैं मगर ऐसा सही नहीं है अगर हम थोड़ा इतिहास में जाके देखते हैं तो चाहे वो आयुर्वेद हो चाहे वो अपना चाइनीज मेडिसिन हो चाहे फिर वो यूनानी मेडिसिन हो उनमें एक कॉमन सिस्टम के बारे में बताया गया है वो है स्वेटिंग इनको नाम अलग अलग दिया गया है आयुर्वेद में से स्वेदन कहते हैं चाइनीज मेडिसिन में इसको ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के अंदर हॉट टब मेथड होता है यूनानी मेडिसिन के अंदर भी इसका डिस्क्रिप्शन हमें मिल जाता है कि अगर कोई पेशेंट किडनी फेलियर का है किटनिन लेवल बढ़ रहा है यूरिया लेवल बढ़ रहा है शरीर में गंदगी इकट्ठी हो रही है तो हम अल्टरनेट पाथ से यूज़ करते हुए शरीर में इकट्ठी होने वाली गंदगी को पसीने के रस्ते निकाल सकते हैं अब इस पसीने निकालने का मतलब ये नहीं होता कि किडनी फेलियर का पेशेंट दौड़ लगाना शुरू कर दे कि क्योंकि जितनी एक्सरसाइज करेगा उतना पसीना बनेगा क्योंकि अगर किडनी फेलियर का पेशेंट एक्सरसाइज करना स्टार्ट करता है तो उसकी मसल मेटाबोलिज्म बढ़ने की वजह से बॉडी के अंदर किटनिन की फॉर्मेशन बढ़ जाती है तो वो हमें नहीं चाहिए हमें चाहिए यहाँ पर पेशेंट आराम से बैठे और वह स्वेटिंग के रस्ते कटेनिन और यूरिया और बाकी सारे वेस्ट मेटल को बॉडी से बाहर निकालता रहे इसके दो तरीके होते हैं या तो पेशेंट हॉट वाटर का यूज़ करे कि एक टब लिया जो हमारे बाथरूम्स में बड़े टब्स होते हैं नहाने वाले उसके अंदर गर्म पानी भरे गर्म पानी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए फोर्टी टू फोर्टी टू डिग्री सेल्सियस या तो वो डेली उसमें आधा एक घंटा डेली पास ले दूसरा जो तरीका बताया गया है वो है सोना का जैसे हम स्वेदन भी कहते हैं आयुर्वेद में कि आप एक कमरे में बैठते हैं जिसके अंदर खूब सारी भाप होती है और उस भाप की वजह से आपके शरीर में से पसीना निकलता रहता है और इस पसीने के साथ साथ बॉडी में जो एक्स्ट्रा सॉल्ट है वो निकलता है आपकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा पानी भर रहा है वो निकलता है आपकी बॉडी में जो यूरिया है वो निकलता है कटनिन जो एक्स्ट्रा है वो निकलना शुरू हो जाता किस है किससे स्वेटिंग के रस्ते तो इसको करने के प्रोसीजर अलग अलग हैं जो प्रोसीजर आपके लिए कन्वीनियंट हो आप वो कर सकते हैं मान लो कि आपके घर के अंदर आपके बाथरूम के अंदर एक बड़ा सा टब लगा हुआ है तो आप उस टब में बैठ सकते हैं डेली एक से डेढ़ घंटा बैठ सकते हैं टेम्परेचर मैं आपको बता चुका हूँ चालीस से बयालीस अब सवाल उठता है कि आप चालीस से बयालीस टेम्परेचर को कैसे मेंटेन करोगे बहुत सिंपल है टेम्परेचर को रिकॉर्ड करने के लिए थर्मामीटर मार्केट में अवेलेबल होते हैं इसको आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं तो जब आप बाटम में गर्म पानी भरें तो उसमें एक थर्मामीटर साथ में अपने साथ रख लीजिए अब होगा क्या कि जैसे आप उसमें टेम्परेचर 40 या 42 डिग्री सेल्सियस लेके जाएंगे आप उसमें बैठ जाएंगे धीरे धीरे धी पानी ठंडा होना शुरू होगा तो साथ में रखे हुए गर्म पानी का हेल्प करते हुए एक दो यू you नो know, मग उसमें डाल के गर्म पानी के तेज गर्म पानी के आप उसका टेम्परेचर बहुत आराम से मेंटेन कर सकते हो इसके लिए आपको कुछ अलग से सेपरेट लेने की ज़रूरत नहीं होती मगर हर किसी के बाथरूम में बाट होना जरूरी तो नहीं है ना तो उनके लिए तरीका होता है कि वो स्टीम लें फुल बॉडी स्टीम लें अब इस फुल बॉडी स्टीम को लेने के भी दो तरीके हैं एक है कि आप ऐसे घर पे ही बेसिक चीज़ों से आप ऐसे बना लें तो उसमें आपने करना क्या होता है एक चेयर लेनी होती है उस चेयर का ध्यान रखना क्या होता है कि वो या तो प्लास्टिक की हो या फिर वो वुडन हो उसके नीचे थोड़े से अगर छेद हैं ग्रूफ बने हुए हैं तो वो और भी अच्छा होता है कोशिश कीजिए कि आप वुड की चेयर लीजिए क्योंकि वुड जो होता है वो बैड कंडक्टर होता है हीट का साथ में ज़्यादा गर्म होने से प्लास्टिक पिघलने के भी चांसेस होते हैं इस वजह से प्लास्टिक की चीज़ से अच्छा वुड की चेक अगर आपके पास नहीं है तो आप प्लास्टिक की भी यूज़ कर सकते हैं अब आपने करना क्या है अब आप आपको कोई स्टीम का सोर्स भी चाहिए जहाँ से भाप निकले तो अक्सर आपने देखा होगा कि जब हमें जुकाम होता है तो हम क्या करते हैं हम एक पतीला लेते हैं उसमें पानी गर्म करते हैं उसके टॉवल डालते हैं और भाप लेना शुरू करते हैं है ना बिल्कुल सेम हमने वैसा करना है मगर उसमें दिक्कत क्या होती है कि नीचे हमें आग जलानी पड़ेगी बट हम आग जलाने वाला काम इसमें नहीं करेंगे मार्केट में बहुत आराम से सौ दो सौ रुपये का भाप लेने वाली मशीन अवेलेबल होती है जो किसी भी केमिस्ट पे आराम से मिल जाती है तो आप क्या करेंगे उसको लाएंगे उसको अपनी चेयर के नीचे बीचों बीच रखेंगे और ऊपर आप एक बड़ा सा कंबल लेके उस चेयर पे बैठ जाएंगे इससे क्या होगा भाप तो निकलेगी पर उस कंबल के अंदर वो ट्रैप बनी रहेगी कंबल गर्म भी होता है और इससे क्या होगा हमारी बॉडी में स्वेटिंग होगी ये एक अच्छा तरीका होता है मगर ये परफेक्ट नहीं होता क्योंकि भाप जो होती है कंबल के नीचे से निकलना शुरू कर देती है तो टेम्परेचर बहुत अच्छा बन नहीं पाता इससे अच्छा मेथड क्या होता है कि हम मार्केट में मिलने वाले जो दूसरे सस्ते उपाय होते हैं उनका यूज़ करें उसमें से एक है ये सोना बैग इस सोना बैग के अंदर आप देखें कि इसके अंदर देखेंगे कि एक पर्सन आराम से बैठा हुआ है उसके हाथ बाहर है उसकी गर्दन बाहर है अब हाथ बहार और गर्दन बाहर होने से हमें फ़ायदा होता है कि हम दो घंटे आराम से निकाल पाते हैं अगर आप याद करें कि जब आपको जुकाम होता था आप भाप लेते थे तो चेहरे पे इतनी भाप लगती थी सांस में घुटन हो जाती थी कि आप उसे छोड़ दिया करते थे तो हम अगर हमारी गर्दन उस बैग से बाहर है तो हमें घुटन महसूस नहीं होती हम लंबे टाइम तक कंफर्टेबली अंदर बैठे रहते हैं तो हमने क्या करना है अपने नेक को आउट रखना है चाहे आप कंबल लें तो आउट रखना है इस बैग को लें तो वो हम आउट रखेंगे या फिर हम टब में अगर बैठते हैं तो भी हम इसको गर्दन को बाहर ही रखेंगे तो इससे क्या होगा कि हमें ब्रीथिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी आपके हाथ फ्री रहते हैं सोना के अंदर अगर उसमें आप देखें तो हाथ बाहर बहारें तो आप अपना फ़ोन यूज़ कर सकते हैं मैगजीन पढ़ सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं तो आपका टाइम आराम से पास हो जाएगा कहने का मतलब यह है कुछ भी करो जो आपको सही लगता है आप कोई भी मेथड चूज़ करो बट अगर हम इसको करते हैं तो इसके अंदर किडनी फिलिपेशन के अंदर बहुत अच्छे में बेनिफिट और भी देखने को मिलते हैं क्योंकि तो जब आप स्वेटिंग कर रहे हो तो आपकी बॉडी में से एक्स्ट्रा सोल्ट निकल गया सॉल्ट निकलने की वजह से क्या होगा बीपी फॉल करेगा नीचे की तरफ आएगा बॉडी में जो एक्स्ट्रा पानी था जो फेफड़ों में भर रहा था पैरों में भर रहा था वो निकलना शुरू हो गया तो बॉडी में एक्स्ट्रा पानी भी स्वेटिंग के जैसे हमने बाहर निकाल दिया तो ये दो बेनिफिट आपको समझ में आ गए जब हम गर्म पानी में बैठते हैं तो अक्सर आपकी मासीपीशी ढीली पड़ जाती है राइट ऐसे लगते हैं हाँ पूरा शरीर एकदम यू नो ढीला ढीला हो गया जब वो ढीला पड़ रहा है तो हमारी जो वेसल्स है जो आर्टरीज हैं वो भी एक्सपेंड कर जाती रिलैक्स कर जाती हैं जिसकी वजह से बीपी हमारा फर्दर डाउन करता है बीपी कंट्रोल आने का मतलब ये होता है कि आपका किडनी फेलियर की कंडीशन को स्लो डाउन कर देना क्योंकि बीपी जब बढ़ेगा तो नुकसान होगा बीपी जब नॉर्मल रहेगा तो नुकसान होगा नहीं होगा तो एक किडनी फेलियर का पेशेंट चाहे वो फर्स्ट स्टेज का हो या फिर वो लास्ट स्टेज का हो एंड स्टेज का हो दोनों हर टाइप का पेशेंट सोना बात ले सकता है हीट बात ले सकता है हॉटअप बात ले सकता है इससे फायदा क्या है बहुत सारे फायदे हैं जिनको मैं आने वाली वीडियोस में भी आपको समझाऊंगा अब जब हम ऐसे किसी टॉपिक में बात करते हैं तो पेशेंट की माइंड में बहुत सारे ख्याल आते हैं कि होगा नहीं होगा बहुत सारे डाउट होते हैं तो मैं आज आपको कोई भी रिसर्च पेपर बना बनाया नहीं दूंगा डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक नहीं दूंगा आप खुद ब खुद गूगल पे सर्च करेंगे कि ऐसा पॉसिबल है या नहीं है उससे आपको किसी भी चीज़ पे ट्रस्ट बिल्डअप होता है कि डॉक्टर साहब जो बता रहे हैं वो सही है अब इसी के साथ मैं आपको कुछ और फैक्ट्स क्लियर करना चाहता हूँ इससे पहले कि आप जाके गूगल पर सर्च करना स्टार्ट करें पहली चीज़ जब हम इस तरह के किसी प्रोसीजर को यूज़ करते हैं तो यूरिया की एक्सक्रीशन ज़्यादा होती है इन कंपेयर टू क्रैक्टिंग अगर आप स्वेटिंग के रास्ते किटनी और यूरिया को डाउन कर भी रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी किडनी ठीक हो गई आपका किटनी लेवल यूरिया लेवल चाहे नॉर्मल भी आ जाए इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी किडनी ठीक हुई क्योंकि किडनी खराब बीपी और शुगर की वजह से या किसी और कारण से हुई है अगर उस बीमारी के कारण को आप छोड़ दोगे तो वो बीमारी बढ़ती चली जाएगी और स्वेटिंग करते करते भी आपके किटनी लेवल यूरिया लेवल बढ़ते चले जाएंगे तो हमने ध्यान क्या रखना है कि किडनी के खराब करने के पीछे के कारण को छोड़ना नहीं है क्योंकि अगर आप उससे छोड़ दोगे तो बीमारी बढ़ेगी और ये जो हम प्रोसीजर कर रहे हैं वो फेल होता चला जाएगा आपने अपनी किडनी की कंडीशन को स्टेबल रखना होता है तो बीपी अपना कंट्रोल में रखो शुगर अपना कंट्रोल में रखो क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक चीज़ें होती हैं जिसे समझना हर किडनी पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़्या ज़रूरी होता है हम स्वेटिंग के रस्से कैटन और यूरिया निकाल रहे हैं मगर उसका मेजर रूट क्या है किडनी के थ्रू अगर किडनी की फंक्शनिंग बनी रहेगी तो ये प्रोसीजर भी काम करता रहेगा अगर किडनी की फंक्शनिंग गिर जाएगी बंद हो जाएगी तो ये प्रोसीजर भी काम करना बंद कर देगा तो आपने अपनी एक्सप्रेशन कटनिन की यूरिया की यूरिन के रस्ते भी बढ़ानी है क्योंकि वो बढ़ेगा इधर स्वेटिंग से निकालोगे तो दोनों की कंबाइंड फंक्शन की वजह से हमें रिजल्ट्स बेटर देखने को मिलेंगे बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे मगर अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं सिर्फ कटनिन और यूरिया को स्वेटिंग के रस्ते निकालता रहूँ और किडनी को भूल जाऊँ ऐसी गलती सारे के सारे पेशेंट करते हैं और उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है तो ऐसी गलती आप लोगों ने नहीं करनी है आप किडनी का ख्याल रखते हुए किटन यूरिया को कंट्रोल करने के लिए स्वेटिंग का प्रोसीजर यूज़ करो ये बेनिफिशियल रहेगा मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए कि स्वेटिंग क्यों ज़रूरी है एक किडनी फिले पेशेंट के अंदर उसे निकालने के पसीने को निकालने के कौन कौन से तरीके हम यूज़ कर सकते हैं और किन किन सावधानियों का हमने ध्यान रखना होता है फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो कुछ भी पूछना चाहते हो डॉक्टर्स अवेलेबल हैं मैं अवेलेबल हूँ आप आके मिल सकते हैं आप इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार